हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यह है हीरो की HF डिलक्स BS6 मॉडल है। आपको दिखा देते हैं, मीटर में आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट है। यहाँ पर चाबी ऑन करते हैं, चेक इंजन लाइट आ गई है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसे गियर ने काम करना बंद कर दिया, यानी गियर काम नहीं कर रहे हैं इसके, यानी हम न्यूट्रल करेंगे तो ये न्यूट्रल नहीं होगी। ये देखो गियर में है, मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ ये, और ये न्यूट्रल नहीं हो रही है। यानी आप लाइट भी देख सकते हैं, चाबी ऑन कर दिए, न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है, और इसको चाहे गियर आप डाल लो या आप निकाल लो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसका। गियर इसके अटक गए हैं दोस्तों, तो फटाफट से इसके क्लच खोलेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर, और इसको आपको सॉल्यूशन बताएंगे क्या करना है। तो फटाफट से इसके क्लच खोलते हैं। दोस्तों क्लच खोलने के लिए इसका एक तो की कटानी पड़ेगी, की कटाएंगे, क्लच केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके ऑयल गेज हटाएंगे, और इसके जो आप देख रहे हैं फुट रेस्ट के जो बोल्ट दिख रहे हैं आपको 14 नंबर चाबी से या पाना से, आप इन दोनों को बोल्ट को लूज़ कर लेना है। इन दोनों को फटाफट से लूज़ कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं और क्या खोलना है। दोस्तों इनके बाद अब इसके क्लच के बोल्ट खोलेंगे। ये 8 mm के जो बोल्ट दिख रहे हैं, ये 8 बोल्ट होते हैं, नीचे और नीचे नजर आएंगे आपको, इस तरफ नीचे देख सकते हैं नीचे बोल्ट है। ऐसे 8 बोल्ट खोलने के बाद और नीचे एक ऑयल निकलेगा इसके बाहर, ताकि ऑयल इसमें ड्रेन होना चाहिए। ट्रे में एक ट्रे ले लें, या पहले कभी डब्बे में निकालना चाहे तो डब्बे में निकाल लें मोबिल। तो फटाफट से इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों क्लच के बोल्ट खोल लिए हैं, अब इनको साइड में रख देते हैं बोल्ट खोलने के बाद, और इसके क्लच कवर को बाहर निकालेंगे। अब नीचे ट्रे लगा कर रखें, ऑयल बाहर ना बिखर जाए। अब इसको आराम से बाहर निकालेंगे लीवर दबा करके। जैसे आप क्लच लीवर दबाएंगे, एक क्लच कवर बाहर आ जाएगा। दोस्तों क्लच कवर खोल लिया है, अब इसकी क्लच और खोलेंगे फटाफट से, रोटर हटाएंगे और इसकी क्लच असेंबली हटाएंगे। ले जा रहे हो? पता नहीं करूंगा, उधार ना करेंगे ना, उधार करके उधार निकलेगी। ठीक दोस्तों क्लच खोल ली है, अब इसका क्लच कटोरा और हटा लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। दोस्तों क्लच कटोरा बाहर निकल गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग टूट गई है, यहाँ की जो गियर शाफ्ट ऊपर होती है, ये यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, यानी किस तरह की होती है, मैं इसको बाहर निकालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये सेकेंड हैंड गियर शाफ्ट रखी हुई थी, इसकी हमने स्प्रिंग निकाली है और इसमें डाल दिए नई वाली में, यानी जो इसकी गियर शाफ्ट जिसकी स्प्रिंग टूट गई थी इसमें डाल दिए, जो नई शाफ्ट है जो इसमें से निकाली हमने अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें डालने के बाद अब इसमें ये काम करने लग जाएगी, यानी ये सस्ता काम है, नहीं तो दोस्तों स्प्रिंग अलग से नहीं मिलती, पूरी गियर शाफ्ट खरीदनी पड़ती है। तो इसको आप ऐसे काम चला सकते हो, कोई पुरानी गियर शाफ्ट रखी हो तो इसकी स्प्रिंग आप निकाल करके और डाल के आप काम चला सकते हो। वैसे तो फटाफट इसको फिट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों गाड़ी तैयार हो गई है, मैं आपको चेक कर देता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कराऊँ आपको। देखो तो बाइक स्टार्ट करने के बाद हम गियर डालेंगे, एक दो तीन चार, दोस्तों गियर काम करने लगे हैं इसके। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।